दोस्तों अभी तक OnePlus ने बहुत सारे दो TWS ईयरफोन्स लॉन्च किए, नेक बैंड ईयरफोन्स लॉन्च किए, लेकिन सभी जो है 5000 के नीचे. बट आई टेल यू व्हाट, और मैंने सभी टेस्ट किए हुए और उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि दे हैव कम अप विद सम रियली गुड ऑडियो प्रोडक्ट्स. अब दोस्तों फ्लैगशिप लेवल का TWS आ गया है जो हमारे पास है, OnePlus Buds Pro. आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, थोड़ा आवाज वगैरह सुनेंगे इनका, बताएंगे आपको कैसे हैं. याद रखिए फ्लैगशिप लेवल यानी प्राइस भी उसी लेवल की है. बॉक्स के ऊपर प्राइस कुछ 11-12 हज़ार रुपए की है, लेकिन ये 10,000 के नीचे आएंगे मेरे हिसाब से, 9,500-10,000 तक आ जाएंगे. देखते हैं दोस्तों कि भाई 10,000 प्राइस इज गुड और बैड फॉर OnePlus Buds Pro. लेट्स फाइंड आउट. ऑलराइट, राइट अप फ्रंट केस दिख रही है. ओके, अगर केस के बारे में बात करूं, नाइस, जनरली पिल शेप्ड के केसेस होते हैं दोस्तों, एंड जब आप रखते हो तो हिलते हैं वो. नॉट विद दिस वन, दिस इज प्रॉपर, आई मीन स्क्वेयरिश डिजाइन है, थोड़ा अलग डिजाइन है, स्लाइटली ऑन द बिगर साइड भी कहूंगा. और कुछ है? ओके, डॉक्यूमेंटेशन. ओके, ओ है नीचे रेड. ओ नाइस. ओके, दो एक्स्ट्रा पेयर आते हैं दोस्तों, लार्ज एंड स्मॉल ईयरबड्स के, एंड दीज वंस हैव जनरली जो मीडियम साइज के होते हैं वो होते हैं उनके अंदर. दिस इज जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन. अरे वन प्लस का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन. लुक एट दिस, रेड केबल क्लब कार्ड भी आता है इसके साथ. ये क्या है? एक्सेसरीज लिखा हुआ है इसके ऊपर. लेट्स फाइंड आउट व्हाट द एक्सेसरीज इज. ओके, दैट USB Type-C टू USB केबल, और हाँ रेड कलर, दैट टिपिकल दैट क्लासिक वन प्लस रेड कलर. चलिए ये सब साइड में रखते हैं. And let's look at these. सबसे पहले केस विद द बड्स इनसाइड, वेट क्या होगा? अबाउट 65 grams. Let's see. OnePlus की ब्रांडिंग है दोस्तों. पीछे की तरफ USB Type-C पोर्ट आता है चार्जिंग के लिए, नीचे स्टिकर है एंड नथिंग एल्स. लुक्स गुड, ये प्रीमियम लगती है ब्लैक. वैसे दोस्तों ये ब्लैक, अगर आपको व्हाइट कलर भी अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर ग्लॉसी व्हाइट, वो भी कलर आता है इसके अंदर. लेट्स ओपन. लुक एट दीज, ये देखिए दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग डिजाइन दिख रहा है. वैसे दोस्तों ऐसे लगता है कि आजकल नए नए अलग अलग जो TWS है वो दिखने को थोड़े अलग निकालने का ट्रेंड आ गया है. अगर आप इनके पास देखोगे, नीचे की तरफ ग्लॉसी है एंड ऊपर मैटे फिनिश है दोस्तों, और जब आप डालते हो दे फिट राइट इन प्लेस क्योंकि मैग्नेटिक है. एंड एक हाथ से ओपन कर पाओगे क्या केस को? लेट्स सी. ओके, आपको थोड़ी कसरत करनी होगी, उससे अच्छा ओपन विद टू हैंड्स. सभी में बहुत सारे केसेस के पास देखता हूं दोस्तों, इट शुड बी इजी टू ओपन विद वन हैंड. ये इतना इजी नहीं है, खोल सकते हो बट यू विल स्ट्रगल. और एक बात, हाथ में लेने में स्ट्रगल नहीं होता है. बहुत बार ऐसे भी होता है, केस ऐसी होती है कि वो बड्स केस से निकालने में ही जान चली जाती है. नॉट विद दिस वन. सो डिजाइन वाइज मैं कहूंगा अच्छा डिजाइन है. चलिए दोस्तों क्विकली पेयर कर लेते हैं. लेट्स पेयर. ओह, That ANC just got activated. Silent ho gaya sab immediately. So yes, ANC is there and it is effective as well. Chaliye pair karte hain. Alright, let's open. Ooh, immediately. Nice. So quick connect feature hai iske andar. Alright. Connected. Earbud controls. ANC activated. Okay. ईयरबड्स के फिट टेस्ट भी होते हैं, तो उधर परफेक्ट फिट कह रहा है. सो वी आर गुड टू गो. ज्यादा जोर से चिल्ला रहा हूं क्या? क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. वैसे दोस्तों अगर OnePlus का आपके पास फोन है तो इमीडिएटली आपको उधर ही मिल जाएगा सब डिटेल्स, एंड ईयरबड फंक्शंस जो है वो आप सेट कर पाओगे. सो एक्सट्रीम नॉइज कैंसलेशन. ओ यस, स्मार्ट नॉइज कैंसलेशन है, ट्रांसपेरेंसी मोड है ऑफ, मतलब नॉइज कैंसलेशन भी नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं. वैसे एम आई स्पीकिंग टू लाउडली? जी, डाल के बात करने में बहुत ज़्यादा बड़े आवाज से बात होता है. सो या लेट मी कीप इट ऑफ, लेट मी हियर सम म्यूजिक.
ऑलराइट दोस्तों, बहुत देर तक सुन रहा था। पहले बता दूं दोस्तों कि दे आर कंफर्टेबल टू वेयर, ज्यादा हैवी नहीं है दोस्तों, दीज आर सम 4.35 ग्राम्स, उसकी वजह से बिल्कुल भी कान में ज्यादा हैवी नहीं लगते। तो लॉन्ग पीरियड्स तक अगर आप सुन रहे हो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं, माई गॉड, स्पेशली बेस जो है दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ऐसा बेस नहीं है जो ओवर पावर करता है टोटल म्यूजिक को, इट्स टाइट बेस, अच्छी क्वालिटी का बेस है, खोखला नहीं लगता है। सो लव द बेस, जो ट्यूनिंग वन प्लस ने की हुई है वन प्लस बड्स प्रो पे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव हर्ड ऑन वन प्लस ईयरफोन्स, और इनफैक्ट ओवरऑल बाकी के मामले में भी मैं कहूंगा सीरियसली एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी म्यूजिक, मिड्स अच्छे हैं, मतलब वोकल्स वगैरह आप सुन रहे हो वेरी वेरी क्लियर, एंड इवन द हाईज दे हैव मैनेज टू बैलेंस इट आउट परफेक्टली, मतलब सभी काइंड के म्यूजिक आप सुनोगे, इवन बेसी म्यूजिक, पॉप हिप हॉप वगैरह सुनते हो आपको अच्छा लगेगा, क्लासिकल अगर आप सुनते हो फिर भी यू आर गोइंग टू एंजॉय इट ऑन वन प्लस बड्स प्रो। वैसे दोस्तों अगर आप इन्हें पहनते हो पढ़ाई करते समय, आपको फोकस कुछ करना है, तो ऐप में और एक मोड आता है जहां पे वो चालू कीजिए, जेन मोड एयर जिसका नाम है, वो चालू कीजिए, नाइस, ऐसे लगता है कि किधर अमेजॉन फॉरेस्ट में नेचर में बैठे हुए हो, वैसे आवाज आ रहा है, पानी का आवाज है, बर्ड्स चर्पिंग आवाज है, अच्छा है फॉर फोकस। वैसे दोस्तों अगर ड्राइवर्स के बारे में बात करूं तो 11mm ड्राइवर्स हैं, 11mm ड्राइवर्स के दूसरे ईयरफोन्स मैंने सुने हुए हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाट, मैंने इतना अच्छा आवाज नहीं एक्सपेक्ट किया था, सो फुल मार्क्स ऑन ऑडियो क्वालिटी। अगर बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो विथ ANC सिंगल चार्ज पे ये जो बड्स हैं आपको 5 घंटे का बैकअप देते हैं म्यूजिक प्लेबैक टाइम, अगर ANC ऑफ करते हो तो 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। वैसे दोस्तों ANC के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, ANC इफेक्टिव है, बहुत सारे ईयरफोन्स में मैंने सुना हुआ है कि मतलब ANC होता है लेकिन नाम के लिए होता है, इसमें ऐसे नहीं है, इनफैक्ट उतना ही नहीं, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो 15 dB से लेके 40 dB तक, सो इफ यू वांट लेसर नॉइस कैंसलेशन यू कैन डू दैट, इफ यू वांट हायर नॉइस कैंसलेशन यू कैन डू दैट एज वेल, सो नॉइस कैंसलिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड। हाँ दोस्तों, इसमें जेस्चर्स या टच कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, पिंच कंट्रोल्स है, इसका मतलब यू विल हैव टू दबाना होगा, तो अगर प्ले पॉज करना है सिंगल टाइम दबाइए, अगर 2 बार दबाते हो तो नेक्स्ट जो आपका सॉन्ग है उसके ऊपर चला जाएगा, तो एंड दे वर्क वेल, इनफैक्ट जब आप पिंच करते हो एक टिक ऐसा आवाज आता है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि इट इज वर्किंग, सो गुड देयर। और दोस्तों विद TWS वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, IP सर्टिफिकेशन, यस आता है IP सर्टिफिकेशन, जो ईयरबड्स हैं दोस्तों वो आपको IP55 का सर्टिफिकेशन देते हैं, एंड जो केस है केस IPX4 सर्टिफिकेशन मिलता है, सो इट इज नॉट डस्ट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट है, दीज आर बोथ डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। और चार्जिंग के मामले में एक बताना भूल गया दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं ये, सो वेरी गुड, एंड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, 10 मिनट चार्ज कीजिए 10 घंटे तक म्यूजिक सुनिए, नॉट बैड एट ऑल। और बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो लो लेटेंसी मोड आता है गेमिंग वगैरह के लिए, आपको चाहिए 94 मिलीसेकंड्स का है, और कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी आती है। सो फाइनली क्या लगता है मुझे, आई थिंक एट प्राइस 10,000 की प्राइस, 9 से 10,000 की प्राइस रेंज में आने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं कहूँगा दे आर डिसेंट इनफ। हाँ थोड़े और सस्ते होते, अगर ये 6-7, 7.5 हज़ार तक आते थे दोस्तों, आई वुड हैव ब्लाइंडली रिकमेंडेड इट, लेकिन 10,000 पे यू हैव सम अदर ऑप्शंस एज वेल विच आर इक्वली गुड, सो या ओवरऑल दोस्तों, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा अगर आपको एक वन प्लस के अच्छे प्रीमियम TWS चाहिए, You should definitely look at these. Anyways, आपको अगर कोई सवाल है इनके बारे में तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.